देखिए क्वेश्चन, एक त्रिभुजाकार पार की भुजाएं दे रखी है 60, 112 और 164। ये तीनों क्या एक ट्रायंगल की साइड्स दे रखी है और हमारे पास में कॉस्ट आती है वह 1 मीटर स्क्वायर भाग को प्लान करने के लिए 8.5 रुपए लगते हैं और इस दर से पार को क्या किया जाता है, प्लान किया जाता है, समतल किया जाता है, तो लागत कितनी होगी, यानी कॉस्ट पूछ रहा है, टोटल कितना रुपए लगेगा, कितनी टोटल कॉस्ट आएगी। तो सबसे पहले कॉस्ट का दिमाग आती हमारे पास में ये मीटर स्क्वायर का मतलब, मीटर स्क्वायर का मतलब क्या निकालना होगा, ऐसे ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा। तो इस तरीके से कोई एरिया निकलेगा मीटर स्क्वायर में और हमारे को इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 8.5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमारे पास में कॉस्ट मिल जाएगी। कैसे कॉस्ट आती है तो देखेंगे, ये भी रुपए में है, ये किसमें होगा, ये वाला एरिया ये मीटर स्क्वायर में होगा और ये हम इस यूनिट क्या देर की रुपए प्रति मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा और किसमें इसका मान आएगा, इसमें इसके रुपए में इसका मान आएगा, यानी कितना रुपए लगेगा वो आ जाएगा। तो ये आपके दिमाग में हो जाना चाहिए, मीटर से मीटर तो कट जाएगा, यानी 85 का मतलब क्या है, 17 का मल्टीपल है, 17.85 किसका मल्टीपल है, 17 का। इसमें से 17 का कौन कौन मल्टीपल है तो उसको देख लीजिए, 17 का मल्टीपल कौन कौन है, 17 का मल्टीपल देखिए, एक तो ये 17 का मल्टीपल होगा, क्यों, क्योंकि सबसे पहले दिमाग में 17,000 लिखना, ये दोनों यहाँ दिमाग को जीरो रखना है, यानी 17 से तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, उसके बाद 85 बचे, 85 में 17.85 यानी पूरा पूरा भाग जा रहा है। अब इसमें देखेंगे, इसमें भाग देके देखेंगे तो क्या आएगा बताइए, इसमें अगर आप भाग दोगे तो आपके पास में 17,000 तो यहाँ से पूरा पूरा कट जाएगा, उसके बाद में कितना बचेगा दिमाग में देखना, 1164 बचेगा, 1164 में आप 17 का भाग दोगे, यानी 1164 मतलब 116 में कितनी बचेगा, 14 और 4 यानी 14 बच जाएगा और ये लास्ट का 4 बच जाएगा, तो 144 में जाता है, 144 में 17 के पार्ट में 144 आता है क्या, नहीं आता, तो ये वाला भी नहीं होगा। इसमें भाग देके देखेंगे क्या आएगा, 17,000 में तो पूरा पूरा चला जाएगा, उसके बाद 1316 बचेगा, यानी 131 में कितनी बार जाएगा, 17 छिका 102 17 सत्ती 119 जाता हो जाता 17 से 119 के आगे 129 के आगे कितना आएगा, 2 और हो जाएगा, यानी 12 बच जाएगा और लास्ट में कितना बच जाएगा 6 126, 17 के बारे में 126 नहीं होता, ऑप्शन इसमें देखेंगे 17 से तो पूरा भाग चला जाएगा 136, 17 और 136 यानी इसमें भाग जा रहा है, या तो ये आंसर ये, या आंसर ये। अब देखिए, अब हमारे को क्या निकालना होगा, इसका एरिया निकालना होगा। तो एरिया किस तरीके से निकलेगा, तो सबसे पहले हमारे को ये जो तीनों साइड है ये किससे डिवाइड हो रही है वो देख लेते, तो ये चारों जो साइड है 4 की मल्टीपल है, 4 से जैसे मल्टीप्लाई किया जाता है इनके रेशियो को तो ये रियल वैल्यू दिखाता है, तो 4 से इनको क्या कर देंगे, काट देंगे, काटेंगे तो क्या आएगा, 4 एकम 4, 4 5 20, ठीक है, ये एक रेशियो ये आ जाएगा, दूसरा रेशियो क्या आएगा, 4 2 8 और कितना बचेगा, 3 बचेगा, 4 8 32 आ जाएगा, तीसरा देखेंगे कितनी बार करेगा, 4 4 16 और 4 एकम 4, तो तीनों साइड का रेशियो क्या आ जाएगा, 15 28 और 41, जैसे इनको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे जो रियल वैल्यू है वो रियल वैल्यू मिल जाएगी, तो हमारे किसका मल्टीपल होगा, 4 का मल्टीपल होगा। अब हमारे को क्या याद करना है, अब हमारे को याद करना है इसका हमारे पास में एरिया, एरिया किस तरीके से निकलता है, हीरोन फॉर्मूला, हीरोन फॉर्मूला तीनों को जोड़ो 40 60 और ये 70 70 78 78 79 79 और 5 कितना होता है, 84 होता है, 84 पेरीमीटर, इसका आधा सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर कितना आ जाएगा, 42 हो जाएगा, 42 तो इस तरीके से 42 आ जाएगा, 42 तो ये हो जाएगा, उसके बाद में S-A 42 में से 15 किया कितना बचेगा, 27 बचेगा, 27 का मतलब क्या हो जाएगा बताइए, 9 × 3 और 42 का मतलब 6 × 7 42, तो 9 अंदर है बाहर निकलेगा तो क्या आएगा, 3, 6 इधर है, 6 का मतलब यहाँ 2 × 3 है तो ये 3 और ये 3 बाहर निकल जाएगा, 1 3 बाहर निकल जाएगा, 3 × 3 यानी 9, इसका मतलब क्या होगा, ये आगे और मल्टीपल तो होंगे लेकिन हमारे को क्या मिल जाएगा, एक रेशियो मिल जाएगा, यानी 9 का मल्टीपल होगा, जो भी आंसर होगा वो किसका मल्टीपल होगा, 9 का मल्टीपल, तो कौन सा इसमें 9 का मल्टीपल है, हमारा ये और यही चेक करना, क्योंकि ये दो दो बेसिक कैंसिल हो गए। मल्टीपल किस तरीके से चेक किया जाता है, 1 और 7 8 8 और 8 16 16 5 कितना होता है, 21, यानी ये वाला नहीं होगा क्योंकि 9 में 21 का पड़ा नहीं जाता। उसके बाद में देखेंगे तो 1 और 7 8 8 और 1 9 9 और 3 12 12 और 6
18 18 यानी 9 में पूरा पूरा भाग 11। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा।